क्या नाम बताएं अपना? वीरेंद्र। वीरेंद्र, क्या नाम का, आपके नाम का क्या मतलब होता है? इंद्र, इंद्र का दूसरा नाम वीरेंद्र भी रखा गया है। क्यों रखा गया, कोई मैथोलॉजी है? शायद उनको शायद एग्जैक्ट नहीं मालूम है, गेस कर सकते हैं। गेस। साहित्य के अच्छे जानकार लगते हैं आप। ये बताइए कि अक्सर लोगों कहते हुए सुनेंगे बिहार और बिहारी, दोनों में क्या अंतर है? बिहार एक राज्य का सूचक है शब्द, और बिहारी जो राज्य के रहने वाले हैं वो बिहारी हैं, बट इनको बाहर जो है गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिस पर काम क्यों करना जरूरी क्यों है। किया जा रहा है ऐसा? क्यों है कि आप खुद बिहार के रहने वाले हैं और आपका खुद कहना है कि बाहर में इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, क्यों? उसके पीछे कुछ अफवाहें भी हैं जो उसको पुष्टि कर रही है। अच्छा, आपने गायत्री चक्रवर्ती को पढ़ा है? सॉरी सर, कुछ सबल्टन के बारे में जानते हैं? सबल्टन क्या होता है? सॉरी सर, मैंने रिकॉल नहीं किया। अच्छा, कुछ आपने हेलेन के बारे में सुना है? हेलेन सिक्सो, जो महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करती हैं। जी नहीं जानते आप उनके बारे में? अच्छा, कुछ सिगमंड के बारे में जानते हैं? जो सॉरी सर, सिगमंड फ्रॉड के बारे में कुछ जानते हैं आप? सिगमंड फ्रॉयड, हाँ सुना आपने। वो एक मनोविश्लेषणवादी अच्छा थे। अच्छा तो क्या उनकी क्या थ्योरी है? उनका एक सिद्धांत है मन को लेकर के, कि मन के तीन पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हम डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, जैसे खाना खाना, चलना, और कपड़ा धोना। सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस वैसी बातें उसमें रहती हैं जो हम कोई डाटा याद करते हैं जो रिसेंटली को रखना अनकॉन्शियस है। क्या होता है? अनकॉन्शियस वैसी बातें होता है जो हमारी इच्छाएं होती है, बट वो समय के साथ पूर्ति नहीं हो पाती है, वो धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपकी नियुक्ति हो जाए तो किस विभाग को आप पहला प्रेफरेंस देंगे? SDM प्रशासन विभाग, प्रशासन विभाग को सबसे पहले बढ़ते हैं। तो क्या काम करने का तात्पर्य है आपको SDM का पोस्ट दिया जाए या नहीं, काम करने हमें का? डाइवर्सिफाई जॉब को लेकर के तो डाइवर्सिफाई में लोग चॉइस क्यों करते हैं आपको, क्यों ये? क्योंकि आप तो किस मनोवृत्ति से आ रहे हैं, आपसे सेवा करने की मनोवृत्ति से आ रहे जी। हैं, तो इसमें लोग क्यों चूज करते हैं उनको SDM मिले या फिर पुलिस विभाग मिले, क्यों ऐसा है? जैसा सर, हम पहले से भी जॉब में हैं तो वहाँ भी काम ही कर रहे हैं और वहाँ भी सेवा क्षेत्र ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सेवा के दायरा को बढ़ाया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर हम काम करें और उसके समन्वय की अच्छा, तरीके से काम करें। तो जब आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको नहीं लगता है कि ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको क्यों रोज़गार दिया जाए? जिन बच्चों के पास रोज़गार नहीं है उनको अवसर मिलना चाहिए ना। दरअसल सर, ये रोजगार की बात नहीं है, ये सेवा की बात है, और डाइवर्सिफाइड सर्विस मिल रही है इसलिए तो ये कौन तय करेगा कि सेवा की बात है, आप खुद से तय करेंगे? नहीं, ऐसा हमें लग रहा है कि ये सेवा का क्षेत्र है, ये जॉब का क्षेत्र से ज़्यादा ज़रूरत है इसको सेवा का क्षेत्र मानना। किस गांव से हैं आप? भदास। अच्छा, क्या पॉपुलैरिटी आपके गांव की? तकरीबन 13,000 है। नहीं, पॉपुलैरिटी क्या है आपके गांव की? हाँ, पॉपुलैरिटी नहीं, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलैरिटी क्या है, अच्छा कुछ पॉपुलैरिटी, हाँ सॉरी कुछ सॉरी सर, विशेषताएं क्या है आपके गांव की? उनके मेरे गांव के बगल में एक वेटलैंड है छोटा सा, बट वो उतना पॉपुलर नहीं है, बट उस पर काम किया जा सकता है। नहीं, काम किया जा सकता है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किसी वजह से हर एक गांव फेमस होता है, कोई ना कोई कहानी रहती है, हम मैथोलॉजी कहते हैं, कोई ना कोई नाम होता है, किसी किसी गांव को किसी का नाम दे दिया जाता है, हो सकता है वो वहाँ के MP रहे हों, MLA रहे हों या कोई फ्रीडम फाइटर रहते हों। जी जी तो आपके गाँव की कुछ ऐसी खासियत है जी या नहीं जी है? जिला का ITI कॉलेज मेरे गाँव में है। जिला का ITI कॉलेज आपके गाँव में है? जी। ओके, लेकिन आपने गाँव से पढ़ाई की है? अपने जी गाँव से ही पढ़ाई की है? जी ठीक है। आपका ऑप्शनल विषय है साहित्य, जी तो केवल आप हिंदी साहित्य में इंटरेस्टेड हैं या और भी साहित्य जैसे इंग्लिश लिटरेचर है? जी केवल हिंदी साहित्य को लेकर के। केवल हिंदी को देखा आपने, और मैथ्स पढ़ा है आपने, मैथ्स ऑनर्स किया आपने, जी और परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है आपका, 85% है। जी तो मैथ्स में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता था? त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते थे आप, तो उसमें सम चतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहते हैं उसको, उसके और ऊपर आमने सामने की भुजा पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल ना हो तो केवल दो भुजाएं पैरेलल हों, दो ना हो, उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? एग्जैक्ट सर अभी याद नहीं कर पा रहे। अच्छा, हिंदी साहित्य में विद्यापति का नाम सुना है आपने? जी हिंदी साहित्य में विद्यापति का नाम हाँ सुना है। साहित्य मान लीजिए,
साहित्य के क्षेत्र में विद्यापति का नाम सुना है आपने, कहाँ के रहने वाले थे उनके बारे में कुछ बताइए। दरभंगा के रहने वाले थे। कोई रचना उनकी? कीर्ति लता, कीर्ति पता का। अच्छा, कुछ कवियों को राष्ट्र कवि की दर्जा दी गई है जी, तो एक दो कवि का नाम बताइए जिनको राष्ट्र। मैथिली शरण गुप्त है, राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, और एक रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इन दोनों को राष्ट्र कवि माना जाता है जी। दोनों की रचनाओं में या उनकी जो सोच थी उनमें विशेषताएं क्या थी और अंतर क्या थे दोनों में? दोनों की विशेषताएं हैं कि दोनों राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद की वकालत करते हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा में हम गौरवशाली हमारी इतिहास रही है उसको उसका वो समर्थन करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहते हैं। और मैथिली शरण गुप्त मूलतः राष्ट्रवाद को अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ समझते हैं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर ना केवल वो आज़ादी से पहले भी कुछ दिन तक लिखते रहे और बाद में काफ़ी उन्होंने लिखा, तो उन्होंने केवल राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं की बल्कि सांस्कृतिक आर्थिक दोनों आज़ादी, ये तीनों तरह की आज़ादी की बात की। तो दिनकर की कविताएं बहुत सारी हैं जी, किताबें बहुत सारी हैं, जैसे रश्मि रथी है, तो रश्मि रथी से एक ऐसा कोई सेंटेंस बताइए जिससे कि हमारे लाइफ की फिलॉसफी हमें झलक जाए। जब नाश मरीज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है इसका? क्या इसका अर्थ क्या है? कि जब व्यक्ति का विनाश होता है तो सबसे पहले वो गलत गलत फैसला लेना शुरू कर देता है। अच्छा, वो गलत काम करता है वो जी। और मान लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट बिहार में होता है, ठीक है, जैसे आप अभी आए हैं पटना में जी। और पटना में रास्ते में देखा होगा आपने कि बहुत सारा कचरा है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ के SDM होते आज के डेट में, तो ये जो कचरा आपको दिख रहा है पूरे शहर के अंदर, इसको हटाने के लिए क्या करते आप? उनके लिए सर आउटसोर्सिंग कंपनी का हम सहायता लेते हैं। ये क्या होती हैं? कंपनी है। क्या होती हैं ये? जो निजी कंपनी होती है किसी खास काम के लिए उसको हायर किया जाता है। तो आपको लगता है कि सरकार सक्षम नहीं है कार्य करने में खुद? नहीं, ये सरकार सक्षम है बट उसको निजी तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्पोजल किया जा सकता है। तो फिर हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है जब गवर्नमेंट ये काम करने में फेलियर हो जाएगी? सर गवर्नमेंट के अंदर ही वो काम हो रही है। मतलब ये निजी क्षेत्र के साथ सहयोग लेना, तो क्या मतलब पहला विकल्प यही होगा आपका? अगर सर विकल्प की बात करें तो हम निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का ये मेरा कारण है कि हम कामों को पंक्चुअलिटी के साथ करना चाह रहे हैं। आप तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी महकमे में कमियाँ हैं, मॉनिटरिंग की कमी है थोड़ी। तो आप मतलब सरकारी कमियों को कैसे दूर करेंगे, मेरा सवाल तो यही है। मॉनिटरिंग जरूरी है और डिजिटलाइजेशन जरूरी है। डिजिटल जितने भी कर्मचारी हैं उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनवाना, औचक निरीक्षण। मैंने कहा कि तत्कालिक उपाय क्या करेंगे आप, कचरे को हटवाना है यहाँ से या कचरा जमा ना हो इसके लिए क्या करेंगे आप? इनके लिए संबंधित विभाग से हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं जिसके कारण कचरा जमा हो रही है और उस समस्याओं को पहले हल करने का प्रयास करेंगे। आपके पास टाइम तो नहीं है, आपको क्विक रिस्पांस देना है, आप डेटा कलेक्शन करेंगे जाकर डिपार्टमेंट में, इतना टाइम आपके पास है अभी? इस डिपार्टमेंट से इस बात का पता करेंगे कचरा क्यों जमा हो रहा है। पहले से अधिकारी कर्मचारी इस विभाग में तो नियुक्त हैं, तो क्या कारण है कचरा जमा हो रहा है, उस कारण को जानने का हम प्रयास करेंगे। मैंने कारण नहीं पूछा, उसको हटाने का तरीका पूछा आपसे मैंने। तो सर हटाने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी की हम आज डेट में बारिश अभी आपका इमीडिएट रिस्पांस चाहिए। सॉरी सर, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव है ना जी, तो आपके द्वारा एक्शन चाहिए, तो एक्शन क्या? तो सर सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कचरा जमा किस वजह से हो रहा है, अगर ऐसा कुछ कारण लेट लतीफा शाही की वजह से हो रहा है जो भी संबंधित अधिकारी है उसको हम वार्निंग देंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो इसको साफ करवाया जाए अन्यथा उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। स्वतः उस पर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, और मान लो कि बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें 5 रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं बताइए, अगर आप गवर्नमेंट महकमे में जा रहे हैं, सरकार ने आपको जिम्मेदारी दे ही दी कि ये आप रिफॉर्म्स रिकमेंड करिए, तो वो 5 जो है रिफॉर्म्स सुधार जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे गवर्नमेंट बिहार को बताइए। सबसे पहले सर सभी विभाग का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा जहाँ तक संभव हो, जितने भी डॉक्यूमेंट का जितने भी विभाग का। दूसरा मॉनिटरिंग, ये तो ऑलरेडी डिजिटल हो चुका है, ये पॉलिसी ऑलरेडी बिहार के पास है। मॉनिटरिंग व्यवस्था को टाइट, तो डिजिटल बनाने की बात आप छोड़ दीजिए क्योंकि सरकार उस पर काम कर रही है ऑलरेडी, कुछ इनोवेटिव बताइए जो नया हो जी, जो गवर्नमेंट के पास ना हो पहले से। मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे कि औचक निरीक्षण हो पाए सभी विभाग का, ताकि ये भी गवर्नमेंट कर दिया पहले से ही, औचक निरीक्षण भी होता है पहले से, वो बताइए जो पहले से ना हो बिल्कुल नया। सॉरी सर अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे।
ठीक है। बीरेंद्र राइट जी। खगड़िया जिले के पड़ोसी जिलों के नाम बताएं। बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा। एक बार फिर से बताएं। बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर। आप बोलने में कुछ गलती कर रहे हैं जैसे जब जिलों का नाम लिया जाता है तो उसको दिशा के साथ बताया जाता है कि उत्तर में ये जिला। अब बताएं दिशा डायरेक्शन के साथ बताइएगा। उत्तर में समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, दक्षिण में मुंगेर, भागलपुर, पूर्व में कटिहार, पश्चिम में बेगूसराय। चलिए बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पर है बिहार सरकार का, थोड़ा बहुत देखा होगा। थोड़ा बहुत देखा है, ठीक है। मक्का उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस जिले में उत्पादन हुआ है? कटिहार में। कटिहार में आपके पड़ोसी जिला है। कटिहार और खगड़िया का लगभग जो सॉयल का कैपेसिटी है प्रोडक्शन का सेम ही है, सेम कैरेक्टर का सॉयल है, तो खगड़िया में क्यों नहीं ज़्यादा उत्पादन हो रहा है मक्के का, जबकि खगड़िया काफ़ी उसमें कल्टिवेटेड लैंड बहुत ज़्यादा है कटिहार की तुलना। क्या कारण है? जी सर, खगड़िया में भी प्रोडक्शन सर ठीक ठाक ही हो रहा था, बट इस बार शायद कुछ रीजन रहा हो, क्योंकि एशिया लेवल पर हम लोगों का अपना स्थान रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्पादन में, इस कारण को सर हम नहीं अभी बता पाएंगे, लेकिन सर खगड़िया का भी प्रोडक्शन ठीक ठाक ही रहता है। अच्छा, आपके खगड़िया से कोई हिंदी साहित्य के विद्वान हुए हैं? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक। खगड़िया जिले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? चार हैं। नाम याद है आपको? जी जी बताएं। खगड़िया सदर, परवत्ता, गोगरी, ये सॉरी सर सिमरी बख्तियारपुर, समस्तीपुर, और एक सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, वो परवत्ता है। खगड़िया जिले की जनसंख्या कितनी है? सॉरी सर, अभी साक्षरता दर कितनी है? 55% खगड़िया जिले जी। उसमें महिला और पुरुष का कितना कितना है? महिला शायद सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर, गेस कर सकते हैं। इस पर काम कर लीजिएगा, पूछता है वहाँ जी दो जिले। थैंक यू सर, अच्छा जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताएं, आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, आप बोल अच्छा लेते हैं, दिखने में भी ठीक ठाक है ना, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, तो आप जैसे पर्सनालिटी वालों के लिए DSP का जो पद होता है काफ़ी हैंडसम पद होता है, और बिहार सरकार आप जैसे लोगों को ही ढूंढ रही है ना, तो आपने पहली प्राथमिकता दिया है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और सेकेंड में दिया है डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस, इसको सेकेंड पर रखा हुआ है, तो आपने DSP को सेकेंड चॉइस में क्यों रखा है, जबकि बहुत सारे बच्चों का प्रायोरिटी होता है कि हम DSP बने? दरअसल पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा में हमारा प्रशासनिक सेवा की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है। उसके पीछे क्या रीजन्स हैं कि झुकाव का ज़्यादा रहा है सर? प्रशासनिक सेवा में डाइवर्सिफाइड जॉब को लेकर के ज़्यादा मेरा झुकाव रहा है, जबकि पुलिस सेवा में एक ही विभाग को देखना है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को। अच्छा, SDM जब आप बनेंगे बाबू, तो उसमें अभी बिहार सरकार की बहुत ख़राब स्थिति है ना, कि आप जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको SDM का पावर नहीं मिलता है, आपको किसी एक विभाग का OSD बना के, जैसे मत्स्य विभाग हो गया, खान विभाग, वहाँ आपको डाल दिया जाता है, आप ऑफिस की वर्क करेंगे। आप विवेचना या विविधता तब लाएंगे अपने काम में जब आपको प्रॉपर SDM का पावर मिलेगा, लेकिन बिहार में बहुत दूर तो संभावना नहीं कि आपको जल्दी SDM का पावर मिल जाए, लेकिन DSP बनने के साथ में ही आपको पावर मिल जाता है ताकि आप जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर सकें। तो आप किन कारणों के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि DSP में जो प्रमोशन होता है वो बिहार सरकार बहुत जल्दी करवाती है, 3-5 ईयर में प्रमोशन हो जाता है DSP वालों का, लेकिन SDM वालों का 15 ईयर तक भी प्रमोशन नहीं होता है, तो आपके अनुसार क्या रीज़न हो सकता है कि जो प्रशासनिक सेवा में है उनके लिए बिहार सरकार ने प्रमोशन की कोई नीति नहीं लाया है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सर, इस संबंध में मेरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, मुझे पढ़ना होगा इसके बारे में। आपको काम करना चाहिए है ना, चूँकि आपकी पहली प्राथमिकता है इसका है। चलिए अच्छी बात, थैंक यू सर। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से वीरेंद्र, बिहार में 5 सबसे गंभीर समस्या बताइए, गंभीर समस्या जो वास्तव में जेन्युइन लगता है कि हाँ समस्या है। पहली समस्या बाढ़ है, जो सबसे गंभीर समस्या के तौर पर लिया जा सकता है। दूसरी है रोजगार, रोजगार विहीन समाज जो हमारा है, कि रोजगार कम है, हम लोग ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। और तीसरी समस्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो हमारी है, और चौथी
डिजिट की करी डिजिटलाइज हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग का डिजिटलीकरण का जो रेट है जितना होना चाहिए अदर स्टेट की तुलना में वो हमारी नहीं है। और पांचवी हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है जिसमें काम करने की ज़रूरत है। आपने ये पांचों पॉइंट कहाँ से तैयार किया है और आपको कैसे लगता है कि ये समस्या है? ये सर अपनी अनुभव के आधार पर मैंने तैयार किया है जो मैं समाज में देखता हूँ जानता हूँ अखबार के जरिए। अखबार के थ्रू है ना? कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? प्रभात खबर। अच्छा, आज अखबार पढ़ा है आपने, बहुत अच्छी बात है। तो आज के मुझे तीन ऐसे न्यूज बताइए जो आपके दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट न्यूज हो। पहली न्यूज ये कि ट्रूडो सरकार ने भारत सरकार से बातचीत का ऑफर किया है कि बातचीत होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बना रहे। वेरी गुड। और दूसरी है कि मशरूम से पनीर बनाने का एक टेक्नोलॉजी राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने डेवलप किया है जिससे कि मशरूम का खेती को बढ़ावा मिल सकेगा। और तीसरी है कि हमारे प्राथमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी लेवल तक में आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ों को सिलेबस में जोड़ा जाएगा। आपकी हॉबी क्या है? फिल्में देखना। अभी रिसेंट में कौन सा फिल्म देखा है आपने? गदर टू देखा है। गदर टू मूवी का ड्यूरेशन बताइए, कितना ड्यूरेशन है? मुझे याद नहीं। आपकी हॉबी है, आपको ये नहीं पता कि जो हम मूवी को देखे हैं वो 2 आवर 40 मिनट का है या 2 आवर 43 मिनट का है? अच्छा, गदर टू मूवी में एक नई हीरोइन को लॉन्च किया गया है, उनका क्या नाम है? इसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं हो पा। कोई उसका संगीत आपको अच्छा लगता है, लगा है? कौन सा संगीत? एक दिल झूम झूम करके है। दिल झूम झूम करके, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा वीरेंद्र, ये बताएं कि गदर मूवी से हमारे सोसाइटी के लिए, खास करके बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्या मैसेज मिलता है? उसमें बेसिकली दो बातों को उठाया गया है, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो सर्वोपरि है और दूसरा पिता पुत्र का रिलेशन को भी उसमें उठाया गया है जो आज के समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ आए दिन आधुनिकता के दौर में हमारा सामाजिक परंपरा बिखरते जा रहा है, पिता पुत्र के बीच रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पिता पुत्र के बीच रिलेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी है परिवार को बचाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ने के लिए, तभी राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, बिहार सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं, है ना, जिस योजना के क्रियान्वयन से यह प्रतीत होता है कि वास्तव में बिहार में पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है उसमें बहुत ज़्यादा खटास आया है, उसी योजना का नाम बता सकते हैं आप? वृद्धजन योजना चल रहा है जो वृद्धों के लिए आवास और वहाँ पर उनसे उनका कुछ कौशल का यूज किया जा सकता है, जैसे कुछ जो उनका कौशल अपना रहा है उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसको मार्केटिंग सेलिंग किया जाएगा। इसको वृद्धों से ही जोड़ के देखा जा सकता है कि उनके लिए बनाया गया है। वैसे वृद्ध जिनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दादर की ठोकरें खा रहे हैं, वृद्धाश्रम में हैं, उनके लिए। चलिए बहुत अच्छा, इंटरव्यू ओवर होता आपका।